नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे चला जा रहा है ये आपका टेस्ट सीरीज तीसरे नंबर का है यानी आपका ये प्रैक्टिस सेट थ्री है तो आप इसको शुरू से अंत तक देखा कीजिए तब आप सभी लोग को पता चलेगा कि आप सभी लोग का जो स्कोर है वो डेली बेस पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है कहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और कहाँ पे आपको ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत है तो आप जब सेट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा ठीक है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक करके मुझे मोटिवेशन कर दिया कीजिए क्योंकि आप सभी लोग के सपोर्ट के बिना मैं अधूरा हूँ जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे सभी लोग मिल कर के मैं आपको डेली बेस पर प्रैक्टिस प्रोवाइड कराता रहूँगा ठीक है चलिए से आते हैं पहले क्वेश्चन पर वर्ष 2020 के लिए आई नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत पंद्रह करोड़ में किस टीम ने खरीदा है तो आंसर आपका सी हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर याद रखिएगा कोलकाता नाइट राइडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन हैं तो आंसर आपका डी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं तो चेस खेलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन सा है तो पहला अरब देश देखा जाए तो आपका सऊदी अरब हो जाएगा याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्ड सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है तो आंसर सभी लोग याद रखिएगा आंसर आपका सुदर्शन पटनायक हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है और हाँ आप सभी लोग याद रखिएगा कि आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पीडीएफ का यानी आपको वहाँ पे टोटल बुक का पीडीएफ मिल जाएगा वो भी एच क्वालिटी में तो आपको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है उसको रिविजन करने में तो उसको जाइए पी डी को डाउनलोड कीजिए और अपना तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए तो आंसर आपका पाँचवा का ए हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद याद रखिएगा आईआईटी हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है तो आंसर आपका सिक्स का बी हो जाएगा चीन याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे घोषित किया गया है तो आंसर आपका सातवां का डी हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग आपका यहां पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का क्वेश्चन नंबर एट चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आपके हो जाएंगे मनमोहन सिंह ये सब आपका करंट का अभी क्वेश्चन चला जा रहा है तो करंट इस पर स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा बेंगलुरु में बेंगलुरु में आपका स्थापित किया गया है यूएसए मोलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवन जीवनी द आर्ट ऑफ हिल सॉरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो आंसर देखा जाए तो आपका टेन का बी हो जाएगा मेरी जॉर्डन क्या हो जाएगा मेरी जॉर्डन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एन ए यानी नस्म हो जाए आपका आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर बारह पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक कंपनी ने कॉर्मो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर बारह का आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा गूगल याद रखिएगा गूगल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टर्मिनस आधार पर निजी सचिव यानी पीएस नियुक्त किया गया है वे कौन है तो आंसर आपका डी हो जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह हार्दिक सतीश चंद्र शाह आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी लोगों का मोहन से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा शेर से अब मोहन से आप ये याद रखिएगा कि मोहन से प्राप्त मोहर पर पशुपति की दाएं, बाएं और चरण में दो पशुएं बैठा हुआ है याद रखिएगा गेंडा हाथी भैंस और बाघ तथा नीचे दो हिरण हैं अगर बात करें कि सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्रति यानी प्राचीनतम रूप माना है नेक्स्ट क्वेश्चन ने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए चलिएगा तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी जैन मतावलम भी मानते हैं कि महावीर के पूर्व तेईसवें तीर्थंकर थे उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका पाश्चर्व तेईसवें तीर्थंकर थे क्वेश्चन नंबर सोलह पे आते हैं कि निम्न राजाओं पर विचार करके बताइए चलिए आंसर करिएगा तो अगर निम्न राजाओं के बारे में देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा एक और तीन दोनों यानी आजाद शत्रु और प्रशासनिक हो जाएगा यहाँ पे आंसर देखिए अगर बात करें सोलह नंबर का तो देखिए महात्मा बुद्ध के पहा महापरिनिर्माण के बाद चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में आजाद शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था याद रखिएगा आजाद शत्रु पिंबिसार का लड़का था तो आप यहाँ से ये प्रश्न को सीख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह सुमिलित करके बताना है चलिए सुमिलित करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर क्या हो जाएगा तो सत्रह का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी वहार हार आपका चला जाएगा कहाँ पे वृहद संहिता में उसके बाद आपका विशाखा दत्त आपका चला जाएगा विक्रमांत देवचरित में और बात करें शूद्रक आपका चला जाएगा मृक मृक कटिंग में अगर बात करें विलहड़ का तो आपका एक में चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किनके शासन काल के अधीन फले फूले तो आंसर आपका डी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर आपका राजा हो जाएगा अठारह का ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछन नंबर उन्नीस कहता है मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है मुगल कला के विषय में कौन सा सत्य है तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी युद्ध दृश्य पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और बात करें सी तो दरबारी चित्र तो इस तरीके से आपका उन्नीस का आंसर डी हो जाएगा देखिए मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल आपको जहांगीर के काल को कहा जाता है तो आप इसको याद रख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे यानी निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राज़ी किया था तो करेक्ट आंसर आपका 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजा याद रखिएगा कि जून उन्नीस सौ पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा के बीच में हुआ था जयचंद ने कहा था कि मैं शिवाजी को बंदी बना लूंगा और शिवाजी अपने पुत्र के साथ आगरा दरबार में गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसको देखते हैं क्या कहता है देखिए कहता है ट्वेंटी वन कि आपको सूची वन और सूची टू में सुमेलित करके बताना है तो देखिए इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा सूची वन और सूची टू को बताना है ट्वेंटी वन का तो आपका क्लाइव आपका कहाँ चला जाएगा लार्ट क्लाइव आपका चला जाएगा बंगाल में दोहरा शासन उसके बाद आपका बैटिंग चला जाएगा अंग्रेजी शिक्षा ठीक है याद रखिएगा और चार्ल्स मैटकॉफ आपका चला जाएगा कहाँ पे प्रेस से प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना और कर्जन आपका चला जाएगा बंगाल विभाजन से याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने है क्वेश्चन नंबर बाईस विख्यात मुजफ्फरपुर हत्यारों यानी 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए चलिए 22 का आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाता है एक दो तीन यानी वह बम जो श्रीमती पिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वसुत मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे अब बात करें तीसरा महत्व खोदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतान पड़ा तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था तो उस समय वायसराय देखा जाए तो आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था आप इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ चलिए तो करेक्ट आंसर आपका 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था याद रखिएगा अगर बात करें साइमन कमीशन के बारे में तो आप सभी लोग का साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इस कारण भारतीय जन आंदोलन इसके विरुद्ध में चलाया गया था देखिए 8 नवंबर 1927 को सात सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग बनाया गया था इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो जॉन साइमन थे याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है यानी कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कौन सा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका मुख्य स्त्रोत विष्णु पुराण से है यह आपका गलत है देखिए बात करें यहाँ पे तो आ, कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो यह आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया यानी आपका आंसर सी हो जाएगा देखिए ये रोलेक्ट एक्ट बहुत ही मतलब देखा जाए तो आ, इसके बारे में जान लीजिए कि रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया जिसके द्वारा स्वतंत्रता स्वतंत्रता का हनन हो रहा था ठीक है बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को केवल संदेह के कारण यानी अगर उस पर शक है तो उसको बंदी बना लिया जाता था उस टाइम 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट का व्यापक विरोध प्रारंभ करना शुरू हो गया था ठीक है नेक्स्ट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कहता है अठारह सौ चौवन ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था तो आंसर आपका बी हो जाएगा भारत के पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार यानी आपका ट्वेंटी एट का आंसर बी हो जाएगा देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष चार्ल्स वुड से ये तो सभी को पता ही होना चाहिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही युग्म चुनिए यानी इसमें से सही युग्म बताना है कौन सा सही है तो आपका खुजराहो चंदेल हो जाएगा यानी ट्वेंटी नाइन का आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सही है सूर्य से पृथ्वी को आ, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को बताता है तो आंसर आपका सी हो जाएगा खगोली इकाई को कहते हैं यानी आंसर आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदर्ध्य का अंतर पंद्रह डिग्री है स्थानीय समय में कितना अंतर होता है तो देखा जाए आंसर तो आपका एक घंटा लमसम देखा जाता है यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व को चौबीस समय जोनों में विभाजित किया गया है ये आपको याद होना चाहिए समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है यानी 32 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा देखिए समुद्री जल के घनत्व तो नदी जल के घनत्व तो से देखा जाए तो अधिक होता है समुद्री जल की लवणता लगभग 35 ग्राम प्र, आ, ग्राम प्रति हजार ग्राम होता है ये सभी को याद होना चाहिए नेक्स्ट 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है चलिए आंसर करिएगा तो थर्टी का आंसर आपका सी हो जाएगा काराकोरम क्या हो जाएगा काराकोरम आप सभी लोगों का आंसर यहां पे हो जाएगा अब बात करेंगे कंचन जंगा की ऊंचाई कितना है तो आठ हज़ार पाँच सौ अंठानवे मीटर है याद रखिएगा आठ हजार पाँच सौ अंठानवे मीटर आपका यहाँ पे हो जाता है ठीक है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये आपको पता ही होगा एवरेस्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है इसमें से बताना है कौन सा गलत है तो आपका हुसैन सागर झील कर्नाटक ये आपका गलत है देखिए बात करेंगे हुसैन सागर के बारे में तो ये आपका हुसैन सागर झील कर्नाटक नहीं यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों से खेत किसानों से खेतों में कृति कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है यह किस यह किस लिए है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है यानी आपका आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व तो क्या है मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है तो आंसर याद रखिएगा एल्युमिनियम उद्योग के कारण आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यानी अगर बात करें कि हिंडालको कारखाना कहां पे है तो मध्य प्रदेश के कोरबा में स्थित है राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जंगली हाथी क्या हो जाएगा जंगली हाथी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कहता है कि फ्लाई एस एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है तो आंसर आपका ए हो जाएगा तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है इनमें से बताना है कौन है जो सम्मिलित नहीं है तो आपका हो जाएगा बियना सम्मेलन उन्नीस सौ ये आपका गलत है यानी 40 का आंसर यहाँ पे गलत है बियना जो सम्मेलन हुआ था इसमें आपका उन्नीस नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने है कि कॉर्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन से हैं तो आंसर याद रखिएगा 42 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केरल एवं तमिलनाडु आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारियता की समस्या का दीर्घकालीन हल है चलिए आंसर करिएगा तो 43 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है किससे होकर के तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा प्रशांत महासागर से क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौडजौल क्या है पौडजौल क्या है तो पौडजल देखा जाए एक प्रकार का तो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा देखिए पोडोलॉजी मृदा का अध्ययन किया जाता है ये तो सभी को पता ही होगा मिट्टी से रिलेटेड है किसी मिट्टी को यानी काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं कपासी मिट्टी भी कहते हैं हम उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टेन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण यानी पड़ी भाव भाव जलालु का अनावरण किया इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक देखा जाए तो आपके हो जाएंगे एस जयपाल रेड्डी क्या हो जाएगा एस जयपाल रेड्डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैरोमीटर पठन बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है तो आंसर आपका 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा तूफानी तो मौसम क्या हो जाएगा तूफ़ानी तो मौसम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए बैरोमीटर में द्रव्य धातु पारा का प्रयोग किया जाता है याद रखिएगा निम्नलिखित में स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए यानी 49 का आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो इस तरीके से देखा जाए 49 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी एक दो तीन चार यानी चंपानेर पावागढ़ पुरातत्विक उद्यान छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई उसके बाद बात करें आपका मौलपुरम तमिलनाडु और सूर्य मंदिर कोणार्क में तो इस तरीके से आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है भारतीय संविधान इनमें से किसका ऋणी है तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए तो 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा यानी मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार होता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है और ठेठ कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों को अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है तो इस तरीके से आज का आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया तो ये कब किया था तो 22 जुलाई उन्नीस को राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकारा गया था अगला है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था उस रिट को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा मैंडेमम मैंडेमस आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना देखिए अगर 54 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा है जिसे प्रमुख मुखिया प्रधान कहा जाता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जिसे प्रधान को प्रमुख कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है कि नहीं करता है कि किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद किसमें है तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे 55 का क्या होना चाहिए ए हो जाएगा 19 ए अ में क्या हो जाएगा 19 ए अ में देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में छह प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है तो याद रखिएगा सरकारी व्यय रिजर्व के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से उपा यानि उधारियाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सभी लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय रखा गया है फिफ्टी का निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। याद रखिएगा आईएमएफ सदस्यों देशों के भुगतान संतुलन में सहयोग देता है इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा अगर आईएमएफ का मुख्यालय देखा जाए तो आपका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क यह आपका गलत है क्योंकि 59 का आंसर क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क नहीं हो जाएगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे विदेशी व्यापार का संबंध देखा जाए तो आपका भुगतान संतुलन से है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं तो आंसर आपका डी हो जाएगा ये सभी यानी पर अपवर्तन आंतरिक परावर्तन शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में प्रयोग होता है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग नोट करते चलिएगा आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः बताया गया है चलिए आंसर करिए तो अगर 64 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाता है सूर्य प्रकाश का विचेपण है सूर्य प्रकाश का परावर्तन है तो इस तरीके से आंसर आपका 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कहता है दो चार और आठ ओम परिमाणों वाले तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा तो 65 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा यानी 2 ओम से कम और याद रखिएगा चौंसठ का, का आंसर आपका ए हो जाएगा सूर्य प्रकाश की विचेपण ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है ए आपका आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या कहता है देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए चलिए इनमें से विचार करके बताना है तो आंसर आपका डी हो जाएगा केवल तीन वतानुकूल में कक्ष वायु में से वाष्पणी कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रविड़ित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है तो इस तरीके से हादसा आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कठोर जल के गुणधर्म धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका ए हो जाएगा एक और दो यानी जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थिति विलयन मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है और जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह प्रक्रिया देखा जाए तो आपका कहलाता है टेम्परिंग क्या हो जाएगा टेम्परिंग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है चलिए आंसर करिएगा सेवेंटी का तो आंसर आपका फ्लेयम हो जाएगा यानी ए आपका आंसर हो जाएगा संस्पर्श लेंस यानी कौन कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं सेवेंटी वन का आंसर आपका सी हो जाएगा ल्यूसाइड से किससे से ल्यू साइड से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उत्पन्न करता है तो सेवेंटी टू का आंसर देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा याद रखिएगा देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तरल अवस्था में क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है समान नाम यानी सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है चलिए सेवेंटी थ्री का आंसर देखिएगा तो आंसर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है वे समस्थानिक कौन से हैं तो आंसर आपका सी हो जाएगा सी बारह सी चौदह याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव यदि दूध को कॉफी काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है ये तो सभी को पता ही होगा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा देखिए दूध से दही लैक्टिक आ, लैक, आ, लैक्टिक वैसली से बनता है आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिमाण स्वरूप आवासियों का उत्पादन होता है जिन्हें अपटा अफला टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है जो सामान्य भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होती है अपटा अफला टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं तो याद रखिएगा आपका आंसर सेवेंटी सिक्स का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जीवाणु ए आपका आंसर यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने है 77। सेवन याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए 77 सेवन का आंसर आपका सी हो जाएगा सी प्लस आयन। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध तो जो दुर्बल स्त्रोत आपको बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा विटामिन सी याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी को पता ही होना चाहिए एस्कारिक अम्ल हो जाएगा पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है क्या तो आंसर आपका सेवेंटी नाइन का ऑप्शन भी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर्शित किए जाएंगे तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा टाइम्स रक र, टाइम्स स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को हम क्या कहते हैं तो याद रखिएगा आपका वायु श्वसन हो जाएगा यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का सुमिलित करके बताना है आप सभी लोग का एटी टू का तो देखिए इस तरीके से आपका देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा यानी अस्त्र आपका चला जाएगा 25 किलोमीटर तक इसका मास्टर मारक क्षमता है अगर धनुष देखा जाए तो आपका धनुष आपका कहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से आपका माफी चाहेंगे आपका अस्त्र चला जाएगा दस से पच्चीस किलोमीटर तक और बात करें धनुष आपका चला जाएगा 150 किलोमीटर तक त्रिशूल अगर बात करें तो आपका 9 किलोमीटर तक आकाश बात करें तो आपका 25 किलोमीटर तक तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसके द्वारा यानी इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्स प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहां पर स्थित है तो आंसर याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्या हो जाएगा महेंद्रगिरी आपका तमिलनाडु में आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है साप्टा का पूर्ण रूप देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा यानी एट्टी फोर का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा साप्टा का पूर्ण रूप आपका होता है साउथ एशियन प्री प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट याद रखिएगा लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कौन सा तो वो जाना जाता है आपका कनाडा यानी आंसर आपका सी हो जाएगा देखिए हरमिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है याद रखिएगा गुरुदेव रविन्द्राथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है तो आंसर आपका एटी सिक्स का बी हो जाएगा बांग्लादेश क्या हो जाएगा बांग्लादेश आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है इनमें से बताना है कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है तो आपका आठ डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव के बीच में रखा गया यानी डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट क्या कहता है कि चाबहार चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है तो आंसर क्या होगा आंसर सभी को याद होना चाहिए बी हो जाएगा ईरान क्या हो जाएगा 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा चार बहार बंदरगाह को हम भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए चलिए तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड में है उसके बाद ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है इनमें से बताना है कौन सा है जो सुमिलित नहीं है तो आंसर आपका डी हो जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस बाईस मार्च यह आपका गलत है देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपका 31 मई को मनाया जाता है 31 मई को याद रखिएगा सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाना नामक उष्म कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं तो आंसर आपका 91 का सी हो जाएगा श्रीलंका क्या हो जाएगा श्रीलंका आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है तो याद रखिएगा आपका पॉइंट शिक्षा हो जाएगा यानी बी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है चलिए आंसर करिएगा 93 का आंसर देखा जाए तो आपका बंगला हो जाएगा यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का याद रखिएगा निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है किसका कैवल्य का तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका जैन हो जाएगा यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए कैवल्य परम ज्ञान को कहते हैं जैसे धर्म में ठीक है याद रखिएगा जैन धर्म में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में किया है तो इस तरीके से आंसर देखा जाए तो आपका संस्कृत साप्ताहिकी हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका सी हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सब सभी का आंसर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 96 का 97 पे आते हैं गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए आ, प्रैक्ट प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो आंसर आपका हो जाएगा आर सी भार्गव हो जाएगा क्या हो जाएगा आर सी भार्गव पी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो वहाँ से जाइए और पी को डाउनलोड कर लीजिएगा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन था तो आंसर आपका ए हो जाएगा शेर शाह सूरी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा तो इस तरीके से आंसर आपका सात दिनों के बाद हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा भारत के किस राज्य में स्थित दहिंग पटना पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा असम awesome. डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का तो दोस्तों आपका यहाँ पे हंड्रेड क्वेश्चन समाप्त हो गया है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा बिना आपके सपोर्ट के मैं अधूरा हूँ क्योंकि जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे